हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। ये क्रोशिए का पैटर्न है, ये देखिए दोनों तरफ से एक जैसा पैटर्न है ये। फ्रेंड्स, इसे आप लेडीज जैकेट पे, कार्डिगन पे, बच्चों की ड्रेसेस पे, शॉल, स्कार्फ, किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बनाए प्रोजेक्ट पसंद आ रहे हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो सब भी एंजॉय कर सके। तो आइए करते हैं स्टार्ट। कैसे बना है ये डिजाइन? इसके लिए फ्रेंड्स, एक ये बेसिक रो मैंने बना ली है। तो डिजाइन हम राइट साइड से शुरू करेंगे। इसके लिए यहां पर एक हम सिंगल क्रोशिया से रो बना लेंगे। देखिए, एक रो सिंगल क्रोशिया से बना लेते हैं। ये देखिए, एक दो सिंगल क्रोशिया से बना लिए। अब यहां से हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे। दो चेन कर लेंगे। चार स्टिच लगा लिए हमने। अभी फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से क्रोशिया हुक पे धागा को रैप करेंगे और यहां से एक दो तीन स्टिच छोड़ेंगे, चौथे में चले जाएंगे। इस तरह से बना लेंगे इसको। अब फ्रेंड्स, यहाँ एक चेन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ एक दो तीन और चार, चार हमने हाफ क्रोशिया कर लिए हैं और इसको यहां पे हम टक कर देंगे। अब यहां दो चेन करेंगे, तो एक दो तीन और एक चार, चार स्टिच लगा लेंगे डिस्टेंस के लिए। इसके बाद फिर से क्रोशिया हुक पे रैप करेंगे एक बार, एक दो तीन, और चौथे स्टिच में जाकर हमने इस तरह से बना लेना है। यहाँ एक चेन करेंगे, ये देखिए हाफ क्रोशिया करना है यहाँ पे। अब तीन धागे हैं हमारे क्रोशिया हुक के, तीनों को एक साथ बना लेना है। ये देखिए, एक बार रैप किया, इस तरह से तीन धागे आ जाते हैं क्रोशिया पे, तो तीनों को एक साथ बना लेंगे। इसे हाफ क्रोशिया कहते हैं। इसको
यहाँ हमने टक कर लिया है, अभी दो चेन कर लेंगे। यहाँ हमने एंड स्टिच लगा लेने हैं। ये देखिए इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट रो पे आ गए, दो चेन कर लेंगे, ये वाले स्टिच ऐसे स्टिच लगा लेंगे डबल क्रोशिया से। अभी देखिए फ्रेंड्स, क्रोशिया हुक पे हमने धागे को रैप कर लिया है, तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएंगे इस तरह से। तो इसको ऐसे बना लेंगे। यहाँ पर हम एक चेन करेंगे और उसके बाद हाफ क्रोशिया से चार स्टिच लगा लेंगे इसमें, दो तीन और चार। इसके बाद यहां इसको हमने इस तरह से टक कर लेना है और यहां दो चेन कर लेंगे। एक दो तीन चार। फिर से देखिए ऐसे रैप कर लिया धागे को हमने क्रोशिया हुक पे, तो यहां पर एक स्टिच इस तरह से लगाएंगे, एक चेन, एक दो तीन चार, और इसको यहाँ पे टक कर लिया, दो चेन और ये चार स्टिच। नेक्स्ट रो पे आगे दो चेन कर लेंगे, ये चार स्टिच हमने लगा लिए। यहाँ चार स्टिच हमने हाफ क्रोशिया, ये देखिए ये चार स्टिच हाफ क्रोशिया से लगा लिए, इसको यहाँ टक कर लिया, दो चेन कर लेंगे, डिस्टेंस के चार स्टिच हैं उसको बना लेंगे। ये वाले स्टिच फ्रेंड्स आप अपनी मर्जी से अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से इस डिजाइन ने आगे आगे बनते जाना है। आप बना के देखिए और फीडबैक मुझे जरूर दीजिए। आपको कैसा लगा ये डिजाइन जरूर बताइए।